हाय दोस्तों, जिकेडी टेक्नोवर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल के ऐप के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप किसी भी फ़ोटो में जान डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि फ़ोटोज़ खिंचवाना सभी लोगों को पसंद है, पर जब दोस्तों हम फ़ोटो खींचते हैं तो हम तरह तरह के एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उस फ़ोटोज़ में अलग अलग इफ़ेक्ट डालकर हम उस फ़ोटोज़ को बहुत ही ज़बरदस्त बना देते हैं। पर दोस्तों, आज का जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी मदद से आप अपने फ़ोटो के अंदर जान डाल देने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सा ऐप है और उस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर आप लाइक नहीं करते। दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यार हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको हमारा वीडियो कैसे पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, आप जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, जिससे हमें भी पता चले कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम उससे रिलेटेड और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे होगा ये कि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और जिकेडी टेक्नोवर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिस ऐप की बात कर रहा था, आप उस ऐप का आइकन यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वहाँ से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो हमने इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये ऐप ओपन करके दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ज्वाइन नाउ दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं, अपने फेसबुक की मदद से या फिर गूगल के थ्रू भी आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको तरह तरह के अलग अलग इमेज देखने को मिलेंगे जो कि किसी ने बनाया है और उसे पोस्ट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो बनाया है काफ़ी बेहतरीन बनाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोटोज़ को बनाकर पोस्ट करते हैं, आप करना चाहते हैं, तो इस ऐप का ज़रूर यूज़ कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इस ऐप को यूज़ कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली उस प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक रिपल और दूसरा मोशन। दोस्तों, मैं आपको पहले रिपल जो ऑप्शन है उसके बारे में बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मोशन का ऑप्शन के ऊपर बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर रिपल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम रिपल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। आपके मोबाइल में जो भी फ़ोटोज़ होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लीजिएगा। तो हम भी यहाँ से कोई एक फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अलग अलग साइज़ दिख रही है। अगर आपको जो साइज़ में आप चाहते हैं, मान लीजिए आपको थोड़ा ही पोर्शन चाहिए, तो आप यहां से इसे क्रॉप कर सकते हैं। तो हम इसे कस्टम ही रहने देने वाले हैं। तो यहां पर हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, हमने जो फ़ोटो चूज़ किया था वो फ़ोटो आ चुका है। और नीचे आप देख सकते हैं, आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मोशन, स्टेबलाइज, मास्क और टूल। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके चारों ऑप्शन के ऊपर बताने वाला हूँ। दोस्तों, मान लीजिए हम जो हमारे सामने एक फ़ोटो है उस पर जो झरना है यानी जो पानी है उसे हमें नीचे गिरता हुआ दिखाना है, तो आपको सिंपली मोशन के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली किस तरफ आपको पानी गिराना है उस तरह आपको ये रो कर देना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा दिया है। अब हम यहाँ पर प्ले करते हैं। तो जैसे आप प्ले करोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा फ़ोटो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा जो साइड का पोर्शन है वो भी मूव हो रहा है, जिसके वजह से ये फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है स्टेबलाइज, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको झरने के जो साइड में आपको एक पॉइंट लगा देना है। इससे होगा ये कि जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन मूव हो रहा था वो पोर्शन मूव नहीं होगा, सिर्फ अब यहाँ पर
जितना झरना है उतना ही पोर्शन मूव होगा। अब हम यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो साइड का पोर्शन था वो स्टॉप हो गया है और जो हमारा वाटर है वो मूव हो रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही कमाल का लग रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें नीचे जो वाटर है उसका भी हमें डायरेक्शन देना है, उसे भी एक दिशा देना है, तो आपको फिर से मोशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हम इसे एक डायरेक्शन दे देते हैं और उसके बाद हम इसे प्ले करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लड़की बीच में खड़ी है वो भी मूव हो रही है, जिसकी वजह से फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपको उसके लिए यहाँ पर मास्क ऑप्शन दिख रहा है, तो जो पोर्शन आपको नहीं चाहिए उस पोर्शन को आप यहाँ ब्रश के थ्रू कलर कर दीजिए। तो पहले हम यहाँ पर ज़ूम कर लेते हैं। ज़ूम करने के बाद हम ब्रश के ऊपर करके यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश ले लिए हैं और हम यहाँ पर फटाफट इसे कलर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट कर रहे हैं तो हमारा जो एडिटिंग होगा इतना ख़ास नहीं होगा, आप आराम से कीजिएगा अच्छे से बैठ के। तो यहाँ पर हमने फटाफट, दोस्तों अगर आपको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पहले ज़ूम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ से ब्रश लेके हम इसे हमने इसे कलर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ज़ूम आउट कर लेते हैं। अब हम इसे प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वो भी मूव हो रहा है और जो पोर्शन को हमने कलर किया था वो पोर्शन अपनी जगह पर स्टॉप है। तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी फ़ोटोज़ में आप जान डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ जो अगला ऑप्शन दिख रहा है टूल्स का, आप टूल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़िल्टर दिखेगा। आप यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको जो फ़िल्टर अच्छा लगे वो फ़िल्टर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई लेने वाले नहीं है तो हम यहाँ पर डिसमिस कर देते हैं। जो अगला ऑप्शन है लूप, आप उस पर क्लिक करते हैं और प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का दिख रहा है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं रिवर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप जैसे रिवर्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो झरना है हमारा वो नीचे के बजाय पानी ऊपर जा रहा है और जो हमने जो डायरेक्शन सेट किया था उसका उल्टे डायरेक्शन में वो मूव होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक अलग इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई म्यूज़िक ऐड करना है तो यहाँ से आप कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, जो कि हमने रिपल तो हमने बता दिया, अब हम बात करते हैं मोशन। आप मोशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं अगेंस आप अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे और यहां से फिर से हम एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। तो हमने एक फ़ोटो ले लिया यहां पर और यहां पर सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड वीडियो, तो आपको उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है और सिंपल सा कोई भी एक वीडियो ले लेना है और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैजिक ब्रश के ऊपर क्लिक करना है और इरेज़र के ऊपर, और आपको जो पोर्शन आपको इरेज करना है, मान लीजिए हम ये जो ये पोर्शन है हम ये पोर्शन को इरेज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट कर रहे हैं तो हमारी एडिटिंग बहुत इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप आराम से कीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पर तो यहाँ से हम इसे ज़ूम आउट कर लेते हैं। ज़ूम आउट करने के बाद अब हम इसे प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं उसका काफ़ी ज़बरदस्त इफ़ेक्ट यहाँ पर आ गया है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को दिखाते हैं तो वो डेफिनेटली शॉक हो जाएगा, बोलेगा भाई आपने ये कैसे किया। तो दोस्तों इस तरह से आप तरह तरह के यहाँ पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर म्यूज़िक या फिर साउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो को हम सेव कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ से आप इसका जो पिक्सल जो रिजोल्यूशन होता है वो आप नहीं बढ़ा सकते, अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर
जो प्रीमियम है उसे परचेज़ करना होगा। तो दोस्तों आप जो 780x540 वाला ही रिजोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे इससे ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वीडियो था वो सेव होना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारा जो वीडियो था वो हमारी गैलरी में सेव हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कोई भी फ़ोटोज़ को वीडियो में बना सकते हैं या फिर कोई भी फ़ोटोज़ को आप अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।